तुम लोग का भी सेम हालत है कि कैसा है? ओके हाँ बताओ भाई, लास्ट लेक्चर क्या पढ़ाता है जल्दी जल्दी? यस यस हाँ भाई क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर जल्दी जल्दी? किसी को कुछ याद ही नहीं है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ बताओ अच्छा चलो शुरुआत क्या की थी हमने ये तो बताओ, स्टार्ट क्या किया था हमने? अच्छा आज भी डम्सराज खेलने का ऐसा कुछ है तो मतलब मेरे को बताया नहीं गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ओके वेरी नेक्स्ट लेक्चर में मैं रेडी होके आएगा, लेकिन आज के लिए तुम लोग बताओ। हाँ भाई यस एनीवन? मैनेजमेंट। हाँ दैट्स अ करेक्ट। हाँ बरोबर मैनेजमेंट दैट्स अ करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा अच्छा ये चैप्टर पढ़ा था बता रहे हो? हाँ बरोबर एकदम बरोबर है। त्याचा आत्मदे काय? चलो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बताओ, प्रिंसिपल्स क्या होते ये बताओ? रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग रिगार्डिंग ठीक है। सी सी रेगुलेशन नहीं बोलूंगा मैं, रूल्स फाउंडेशंस या तो मैं बोल सकता हूं गाइडलाइंस स्टेटेड टू रन द बिजनेस, सच गाइडलाइंस सच रूल्स सच एथिक्स एंड मोरल्स आर स्टेटेड टर्म एज प्रिंसिपल्स एंड सच प्रिंसिपल्स और वी कैन से दोस प्रिंसिपल्स आर गाइडिंग द मैनेजर ओके और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू अंडरटेक द बिजनेस एक्टिविटी टू रन द बिजनेस गोल्स दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सौ बात की एक बात ऐसे सिद्धांत जो बिजनेस चलाने में टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं और उनको गाइड करते हैं कि बाबा बिजनेस कैसे चलाना चाहिए, क्यों चलाना चाहिए और बदलते माहौल के साथ किस तरीके से परिवर्तन लाना चाहिए। दैट मींस विद द चेंज ऑफ द बिहेवियर विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स एंड फिनोमेनन ऑफ द सोसाइटी, जैसे भी हम सोसाइटी में चेंज लाता है ओके या तो चेंज आता है दरअसल सर्कमस्टेंसेस चेंज मतलब कहीं ना कहीं कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, परिस्थितियां बदलाव बदलाव हो जाता है। लास्ट टाइम मैंने कोरोना वगैरह का एग्जांपल दिया था, कईयों ने कई सपने देखे थे, कई बिजनेस से सोचा था कि इस साल हम मुकेश अंबानी को भी पीछे कर देंगे, लेकिन इसमें एक ही पर्सन कांटे की टक्कर में है जो की है गौतम अदानी ठीक है ओके। बाकी लोग सिर्फ देखते जा रहे हैं, अरे बाबा ये भी निकला आगे ये भी निकला आगे ये भी निकला आगे ओके। तो अपार्ट बट द थिंग इज के बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, इन चेंजेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस के साथ इन प्रिंसिपल्स को भी क्या करना, इनका एप्लीकेशंस चेंज करना, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा ये जो प्रिंसिपल्स है ना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ये ऑल टुगेदर किसी भी मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है, मतलब ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये सब एक साथ में अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं होता है भाई ये आधा अप्लाई हुआ ये पूरा अप्लाई हुआ, नहीं नहीं इसको नहीं देखेंगे इसको देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऑल द प्रिंसिपल्स विल बी अप्लाई ऑल टुगेदर एंड कंप्लीटली, ओनली द एप्लीकेशन द वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सच प्रिंसिपल्स मे बी इन अ मॉडिफाइड वे according to the industry, according to the change of behavior, according to the response and outcome of the business organization. Clear? ये समझा क्या? Sorry. हाँ भाई मालूम पड़ा क्या? Yes? हाँ सर। क्या बात है क्या बात है,
चलो तुम लोग हाँ बोलते हो तो कभी कभी मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चलो अरे जबरदस्त, चलो तुम लोग को समझा तो सही, ठीक है ओके। हमने दो प्रिंसिपल्स पढ़े थे, प्रिंसिपल्स नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, सॉरी आई विड्रॉ माय वर्ड्स। हमने प्रिंसिपल्स नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, प्रिंसिपल्स पढ़ना बाकी है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने दिए हुए। ओके, सो हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स पढ़े थे यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा था। सबसे पहला पढ़ा था यूनिवर्सल एप्लीकेबल, सब जगह पे अप्लाई होगा पूरे तरीके से। ओनली द थिंग इज मैंने लास्ट टाइम बताया जैसे लास्ट स्टेटमेंट में मॉडिफाइड वे में अप्लाई होगा, जैसे किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा प्रिंसिपल किस वे में अप्लाई करने में सूटेबल है, ठीक है ओके। तो प्रिंसिपल्स मतलब ऐसा कोई कानून भी नहीं बनाया भाई, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल्स मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल भी दिया था कि भाई चल कि चलो भाई आप मंदिर में जा रहे हो तो चप्पल निकाल के जाना है, दैट सच प्रिंसिपल्स आर स्टेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग ओके। बराबर की नहीं तो कॉमन सेंस है, तो जो कॉमन सेंस वाले प्रिंसिपल्स होते हैं वही प्रिंसिपल्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं, क्लियर। अच्छा कोणीतरी काहीतरी त्याच्यावर एनोट करू नका नहीं तो वो शेयर मतलब शेयर फाइल में कुछ तो एनोट हो रहा है ओके चलो तो ये पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सेकंड जनरल गाइडलाइंस, ठीक है वेट चलो तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन पढ़ा था, जनरल गाइडलाइंस भी हमने पढ़ लिया था, दो चीजें पढ़े थे ठीक है ओके। लास्ट टाइम जनरल गाइडलाइंस में मैंने बताया था ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो मैनेजमेंट या तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी स्ट्रेटजी डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने बोला था फेयर वेजेस, फेयर रेम्यूनरेशन, फेयर सैलरी। तो फेयर सैलरी हर इंडस्ट्रीज में हर लेवल पर हर एक्टिविटी मतलब नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से वो कंसेप्ट चेंज होगा ओके। मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया था और एक फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर का भी एग्जाम्पल दिया था ओके। तो दोनों पे फेयर वर्क का मतलब सेम अप्लाई नहीं होगा ओके, यानी कि दोनों का सैलरी सेम नहीं रहेगा, दोनों का रेम्यूनरेशन सेम नहीं रहेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ इंडस्ट्री एंड नेचर ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है ओके क्लियर। यहां तक समझा सबको? हाँ भाई हेलो, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अच्छा अब ना ये प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं, सम काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स आर बीइंग फॉर्म्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा अच्छा अब ये एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिसेस मतलब क्या, प्रैक्टिसेस मतलब जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे ना देयर इज अ नीड, देयर आर नीड्स to changes, to bring changes into the stated principle or their applications. मतलब कुछ principles को change करना या फिर हम बोल सकते हैं उनको modified करना जरूरत बन जाता है, या तो उनको apply करना different way में ये जरूरत बन जाता है okay with the practice and experiment। क्योंकि मैंने बोला था circumstances change हो जाते हैं, देखो क्या बोला है, the management principles are developed gradually with the research work okay, systematic observation and experiments are conducted before developing them, the results of such experiments have been developed as a principle after its practice in organization। acha ab na kuch logo ne na obviously kuch logo ne kya kiya pata hai, kuch logo ne na jo common principle hai। acha ab aap bologe ek example de deta hu, maan lo hum bolenge fair wages yani ki fair salary fair wages, किसी के तो दिमाग में आया रहेगा ना कि क्यों किसी को काम करने पे सही पेमेंट देना चाहिए, यानी कि जितना वो काम करना है उतने ही लेवल का पेमेंट देना चाहिए, किसी के तो दिमाग में आया रहेगा ना, किसी तो वे से किसी के दिमाग में आया रहेगा कि सर काम तो सब कर रहे हैं लेकिन क्यों फेयर वेजेस देने का जरूरत है। जैसे आपको मैं अगर बता दूं तो पहले ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश एरा मतलब उन्होंने 150-200 साल कुछ राज वगैरह किया था, रूल वगैरह किया था इंडिया पे, ठीक है। Whenever we talk about the history, तो क्या होता है जब ब्रिटिशर लोगों ने काम किया तो क्या हुआ, अरे बाबा काम करवा रहे लेकिन पेमेंट नहीं दे रहे, काम करवा रहे प्रॉमिस भी कर रहे लेकिन पे नहीं कर रहे है ओके। तो मोरल एंड एथिक्स जिसमें जहां खत्म हो जाता है, जहां मोरल एंड एथिक्स खत्म हो जाता है, then there is a need to set up and put forth some kind of principles to undertake the business
एक्टिविटी स्मूथली एंड इन अ एथिकल वे, ठीक है। इसीलिए किसी के तो दिमाग में आया है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, डिविजन ऑफ वर्क एक सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लो मेरे पास ना बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पूर्वा काम कर रही है, कौशल काम कर रहा है, प्रतीक्षा काम कर रही है, ओके, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये ऑलमोस्ट जितने भी लोग मेरे मीटिंग में बैठे हैं मेरे को छोड़ के, वो सब मेरे पास काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या किया मालूम है क्या? अच्छा, मान लो पूर्वा मेरी फेवरेट है, मैंने पूर्वा को ही ज्यादा काम दे दिया, मैंने 5 लोगों का काम पूर्वा को दे दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद ना कौशल भी मेरे को फेवरेट लगा, मैंने कौशल को बाकी और 5 लोगों का काम दे दिया, और बाकी लोगों को ना थोड़ा काम दिया। हावेवर सब एक ही कैटेगरी का काम कर रहे हैं, पगार भी सबको सेम मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ क्या ये सही तरीका है, क्या ये सही तरीका है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का? नहीं सर। क्यों भाई? मैं तो बोल सकता हूँ कि भाई पूर्वा आपको पेमेंट दे रहा हूँ, काम तो करना पड़ेगा, कम या ज्यादा ये मैं डिसाइड करूंगा। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? दैट क्वेश्चन में भी अराइज, बट एट द सेम टाइम द प्रिंसिपल पॉप अप आएगा, ए बाबा डिविजन ऑफ वर्क इक्वली, सही है कि नहीं है सर? जो जितना काम करता है उसको, मतलब जिसका जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से काम दो, और इक्वली काम कर रहे इक्वल लोग तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, इज इट? दिस आर द टर्म्स, क्लियर? तो ऐसा नहीं होता है कि भाई मेरे पास सारे लोग काम करें तो मैं डिसाइड करूंगा किससे कितना काम करवाना है, नॉट लाइक दैट, क्लियर? तो वहां पर ही आर्बिट्ररी पॉलिसीज अप्लाई होता है। So in such a cases, the principal term and define itself. कि अरे हाँ, division of work important है, fair wages important है, ठीक है, okay, fair reporting important है. So these are some of the principles. Clear? Okay, ठीक है, okay. तो ये practices से आते हैं. कहीं तो ये किसी का bad experience रहेगा, कहीं तो ये किसी का बैड एक्सपेरिमेंट्स रहेगा, कहीं तो किसी का ये हम बोल सकते हैं कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहेगा, उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे देयर वाज़ द नीड टू एस्टैब्लिश टू पुट फोर्थ सम ऑफ द प्रिंसिपल्स व्हिच शुड बी अप्लाइड ऑल टुगेदर एंड इन अ फेयर मैनर, क्लियर? ये समझा क्या? यस सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। अरे सर, आपने तो बताया था सर, मैंने बताया था प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, लेकिन उसको अप्लाई करने का तरीका चेंज किया जा सकता है। सर कैसे, क्या एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो मेरा ना गैरेज है, ठीक है, मेरा गैरेज है, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बिजनेस है, गैरेज है, टायर्स वगैरह में सेल आउट कर रहा हूं, ठीक है। अब पूर्वा, कौशल और प्रतीक्षा मेरे पास काम कर रहे हैं, वर्कर है, ओके, और बाकी लोग जैसे मान लो कि सौरभ है, दिव्या है और दीक्षा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कहीं तो ऑटोमोबाइल कंपनी में, टाटा मोटर्स में है काम कर रहे हैं, ठीक है, टाटा मोटर्स कंपनी में काम कर रहे हैं, ये लोग भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपनी में काम कर रहे हैं, और ये लोग मेरे फॉर्म में काम कर रहे हैं, छोटा सा दुकान है, शोरूम है, शॉपिंग सेंटर है, जो भी आपको मजा आएगा वो आप बोल सकते हो, ठीक है। अपना पेंडेमिक आ गया, जब पेंडेमिक आ गया ना, तो अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है, भाई फेयर वेजेस देना चाहिए, इक्वल वेज देना चाहिए, जब सबका सेम काम है तब, ओके, मेरे पास ये लोग भी एक्सपर्टीज हमारा काम कर रहे हैं, मतलब ऑफिस वर्क, और वो लोग भी ऑफिस वर्क उतरे, वो कंपनी में दूसरे कंपनी में कर रहे हैं, ठीक है, सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम सब। अब क्या हुआ, पेंडेमिक आ गया, तो टाटा मोटर्स कंपनी में जो काम करने वाले लोग है, टाटा ने उनका सैलरी कम नहीं किया, उनको उतना सैलरी दिया, लेकिन मेरा ना शोरूम है, मेरा ना शोरूम बंद करने का ऑर्डर आ गया कि बाबा लॉकडाउन है, बंद कर दो। अब मेरा सेल्स कम हो गया, तो मैंने क्या किया, माने क्या, जो मेरे पास काम करे ना उन लोगों का मैंने पे हाफ कर दिया। क्या किया मैंने, उनका पे हाफ कर दिया, बंद नहीं किया, हाफ किया। बताओ क्या ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फेयर वेजेस वाला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है क्या, और सही से अप्लाई हो रहा है क्या? एक्चुअली अप्लाई हो रहा है, सही से अप्लाई हो रहा ना होना ये डिपेंड करता है ड्यू टू द एलोकेशन ऑफ वर्क। इफ देयर इज इक्वल वर्क असाइन टू द एम्प्लॉइज, इफ देयर इज अ इक्वल वर्क असाइन टू द एम्प्लॉइज, सो एट दैट टाइम द फेयर वेजेस शुड बी कंपेंसेटेड। सिंपल सा कंसेप्ट है। मेरे यहां पर शॉप बंद है, काम आधा हो गया, पेमेंट भी आधा कर दिया मैंने। So the principle of management applies, but
इन अ मॉडिफाइड वे. मैंने पहले ही बोला था चेंज ऑफ बिहेवियर हो गया या तो चेंज कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया तो उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने का वे चेंज करना है. ऐसा नहीं होगा कि भाई इसको अप्लाई नहीं करना है. हम निकाल नहीं देंगे उस प्रिंसिपल को. सारे प्रिंसिपल्स ऑल टुगेदर अप्लाई होंगे ही होंगे बिजनेस मैनेजमेंट में. ठीक है, क्या बोले, देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. इट मींस दे कैन बी चेंज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. Managers can be flexible while implementing principles to suit the requirement. हाँ, अब ना जैसे जैसे requirement matters करता है किसी business organization में, वैसे वैसे ये principles क्या होते हैं, apply हो सकते हैं. The business situation keeps on changing. Management principles can be adjusted or modified and can be used in organization according to its need. जैसे एक simple सा concept है, मान लो, एक और example देता हूँ. मान लो 2018 में मेरा सेल्स बहुत मस्त हुआ था. मैंने क्या किया, मालूम है क्या, मैंने डिसाइड किया कि बाबा सब लोगों को एक एक सैलरी बोनस. मैंने अप्रैल में डिसाइड किया कि यार पूरे साल का सेल्स जबरदस्त हुआ है, सब लोगों को एक एक सैलरी बोनस. ठीक है, ओके. लेकिन 2019-20 में मैंने, मेरा सेल्स कम हो गया, मुझे प्रॉफिट कम हुआ, तो मैंने बोला कि नहीं यार बोनस बिजनेस नहीं देंगे हम. पेमेंट तो देंगे रेगुलरली, लेकिन बोनस नहीं देंगे. बोनस ओवर एंड अबव पेमेंट मिलता है. मेरे को बताओ क्या मैंने बोनस नहीं दिया. अब ये सिचुएशन कैसे चेंज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है. बट फेयर वेजेस के साथ साथ अगर एडिशनल कंपेंसेट एक साल होता है तो ऐसा नहीं है कि हम फिर हर साल करेंगे, वो फिर एथिक्स के साथ आ जाएगा. दिस आर द थिंग्स क्लियर. ठीक है, ओके. अगर किसी का प्रमोशन कर दिया तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेगा. अब वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि भाई मान लो अभी एग्जांपल कौशल का ना प्रमोशन हो गया, उसका सैलरी भी बढ़ गया. अब ऐसा नहीं होता कौशल बोलेगा सर मेरे को तो ये काम पहले देते थे, अभी बहुत भारी भारी काम देते हो आप और मेरा जवाबदारी भी बढ़ गई सर, मेरा लायबिलिटी भी बढ़ गया. ओके, इस तरीके से नहीं हो सकता है. ओके, सो ये एक साथ में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे प्रिंसिपल्स भी क्या होते जाते, उनका एप्लीकेशन चेंज होता है. क्लियर, ये समझ में आया. हाँ सर. ठीक है, ओके ओके, यस. चलो नेक्स्ट, बिहेवियर, बिहेवियरल इन नेचर और बिहेवियर चेंज इन नेचर वी कैन से. ओके, क्या बोला, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग. दिस प्रिंसिपल्स कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. अपना एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो भी प्रिंसिपल्स होगा ना वो प्रिंसिपल्स, हाँ, जो भी प्रिंसिपल्स होगा ना बिजनेस मैनेजमेंट का, वो प्रिंसिपल्स चेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चेंज होगा, मतलब सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा. अब ना ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स तब तब अप्लाई होता है, या तो ये प्रिंसिपल्स वैसे वैसे अप्लाई होगा जैसे जैसे बिहेवियरल चेंजेस होता है इन द ह्यूमन बीइंग या तो वर्कफोर्स का. जैसे भी बिहेवियर चेंज होता है वैसे मैनेजमेंट पॉलिसीज चेंज होते जाएगा. सपोज बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन आई एम गोइंग टू असाइन द वर्क इन अ ग्रुप मैनर. जैसे मान लो मैंने 5 लोगों का ग्रुप बना दिया. ठीक है, अब 5 लोगों के ग्रुप में मैंने डाल दिया कौशल को, पीयूष को, दिव्या को और प्रतीक्षा को. ठीक है, ओके, अभी 5 लोगों को मैंने ग्रुप में डाल दिया. ठीक है, अब जो भी काम करेगा, अब ऐसा तो होता नहीं कि ग्रुप एक्टिविटी है, देखो सबका ऑब्जेक्टिव सेम होगा, ये तो मानते हो. अगर मैंने ग्रुप एक्टिविटी दिया तो ऑब्जेक्टिव सेम होगा, सबको रिपोर्टिंग एक ही काम का करना है, मतलब उनका गोल तो सेम है, भले ही सबका वर्क एलोकेशन अलग है, कोई एक काम करेगा, कोई दूसरा काम करेगा, कोई तीसरा काम करेगा, बट ऑल टूगेदर सारा एफर्ट्स एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होगा. यहां पर ये हो सकता है, मैंने बोल दिया कि जो अच्छा काम करेगा उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा. नाउ ईदर ऑफ पर्सन, either of workforce may fall downgraded, uska performance thoda sa kam ho sakta hai, so in such a cases he or she will not get that much of compensation, bonus, increment, transfer, promotion, ye ho sakta hai. ek simple sa concept hai. theek hai, okay. so yahan par jab koi principles apply hota hai related to hr, hum bol sakte hain, hum jab management ka baat karte hain to bahut sare principles hai, aage hum padhenge वेरी डिटेल, तो बहुत सारा प्रिंसिपल्स है. अब उसमें से ही मैंने एक प्रिंसिपल अगेन मैं तुम लोग को अभी फिलहाल पता है इसीलिए वही अप्लाई कर रहा हूँ कि कंपेंसेशन पॉलिसी. अगर मैंने पेमेंट करना है, मैंने पहले ही बता दिया था जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा वो,
मान लो प्रतीक्षा का मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उसको पे तो मिल रहा है लेकिन ओवर एंड अबव पे जो मैंने बोनस बोला था वो नहीं मिल रहा है बिकॉज उसका परफॉर्मेंस ग्रुप एक्टिविटी में उसका इतना खास नहीं था, बाकी लोगों का अच्छा था। एक एग्जाम्पल है, ओके डोंट टेक इट पर्सनली, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहां पर जो भी प्रिंसिपल्स चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, बिहेवियरल चेंज आउटकम के बेसिस पे, ठीक है। जिसका आउटकम अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट होता है, देन प्रिंसिपल्स अप्लाइज अकॉर्डिंगली विद द चेंज ऑफ द सिचुएशन एंड बिहेवियरल चेंज इन द वर्कफोर्स ऑफ द मैनेजमेंट। क्लियर, ये समझा? हाँ भाई, यस सर, ठीक है, यस सर। ये प्रिंसिपल्स कभी कभी क्या करते हैं, जिस ग्रुप को वर्क असाइन किया रहेगा ना तो उस पर्सोनल को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू। कैसे कंट्रोल करते हैं? ऑथोरिटी के थ्रू। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो मैं गांव गया, मेरा एक क्लास है, ओके मान लो, वैसे कोई क्लास नहीं है, एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके मान लो मैंने पूर्वा को क्लास देके गया, मैंने बोला संभालना भैया, संभालना वगैरह, ओके आया तो मान लो पड़ा एसी गायब, बेंचेस गायब, पंखा गायब, सब गायब, ओके बताओ हु इज रिस्पॉन्सिबल? द कस्टोडियन, ठीक है, ओके। तो यहां पर ना ये प्रिंसिपल्स किसी भी पर्सन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हमेशा किसी को अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देते हैं, ठीक है। सो जैसे बिहेवियरल चेंज होता है, जैसे आउटकम चेंज होगा, वैसे इनका एप्लीकेशन भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल यही है कि भाई ऑथोरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ता है, सो ये भी प्रिंसिपल है, ओके ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे हम मेरी डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर, ठीक है। एक जरा पांच पॉइंट में कोई डाउट है तो फटाफट फटाफट पढ़ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया रहेगा तो बताओ मेरे को, अगर कोई डाउट है तो भी बताओ, ठीक है। हाँ भाई, हुआ क्या? हाँ ग्रेट, ठीक है, ओके। बाकी लोग हेलो, हाँ भाई हुआ क्या बाकी लोग का? यस, पढ़ के हुआ?
हाँ भाई हेलो कौशल प्रतीक्षा पूर्वा सौरभ तेजल पढ़ के हुआ क्या? हाँ सर। ग्रेट। हाँ सर। ओके अभी तक इन 5 पॉइंट में कोई डाउट है? नो सर। ग्रेट चल आगे बढ़ते 6 पॉइंट क्या बनता देखो 6 पॉइंट हाँ अच्छा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कोई बता सकता है मेरे को? कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या होता है? हाँ भाई नहीं नो आइडिया। इसको हम लोग ना एफर्ट्स एंड रिवर्ड रिलेशनशिप भी मान सकते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या? कोई भी काम ना या फिर कोई भी वर्क का एफर्ट्स सॉरी कोई भी वर्क का इफेक्ट किसी भी कॉज से होता है। कॉज मतलब क्या? एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा मान लो कोई पर्सन आप चल रहे हो कोई पर्सन आपको मारने आ गया क्या ये पॉसिबल है? आप रोड पे चल रहे हो कोई पर्सन आपको मारने आ गया क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये मैं एक्सेप्शनल केसेस में नहीं बता रहा हूँ मैं ऑर्डिनरी केसेस में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ नहीं तो बोलेगा सर कोई पागल होगा तो मारने आ जाएगा अपने को थोड़ी मालूम है। तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया ऑर्डिनरी केस। आप रोड पे चल रहे हो कोई भी ऐसे आया आपको मारने के लिए क्या ऐसा हो सकता है क्या? हाँ भाई ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर नहीं सर ऑब्वियस नहीं हो सकता है सिंपल। अच्छा आपने किसी के रिलेटिव को धोया रहेगा या तो आपने किसी फ्रेंड को गाली दिया रहेगा या तो आपका कोई दुश्मन रहेगा और आपको एकाएक कुछ दिनों के बाद कोई तो रोड पे मिल गया और मारने का शुरू किया और बोलता अरे ऐसा किया ऐसा किया आइंदा से ऐसा करेगा तो बहुत मारेगा और है क्या हुआ कुछ तो रीजन था ना होने का आप समझ रहे हो क्या? ठीक है मालूम पड़ा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब देयर इज अ रीजन एंड रीजन बिहाइंड द इफेक्ट ऑफ द थिंग्स। मतलब जो भी काम हो रहा है या तो जो भी सिचुएशन अराइज हुआ उसके पीछे कोई तो रीजन था कोई तो कॉज था बस यहां पर हम यही मान सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है मालूम है क्या? ये बोलता है कि जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट हमेशा हम बोल सकते हैं कोई भी इफेक्ट हमारे डिसीजन मेकिंग के हिसाब से यानी कि मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग का पॉलिसी का पार्ट होता है यानी कि उसका बेस है। ओके आप जो भी डिसीजन लोगे ना वही आपके रिजल्ट का कॉज बन जाएगा। नहीं समझा? मतलब मैंने मैंने किसी डॉग को पत्थर मारा ये मारने का जो डिसीजन है उसका इफेक्ट क्या हुआ? वो आके मेरे को काट रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है एक बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूं ठीक है। ओके बिजनेस में भी ऐसा ही होता है आप जो भी डिसीजन लोगे ना वो डिसीजन कॉज बन जाएगा आपके फ्यूचर में मिलने वाले रिजल्ट का। सिंपल और एक एग्जाम्पल देता हूं यहां पर मान लो कौशल को मैंने ना उसका पे इंक्रीमेंट करके दिया उसको पेमेंट दिया मैंने और उसका पोस्ट भी बढ़ा दिया ठीक है मैंने उसका पे भी इंक्रीमेंट किया पोस्ट भी बढ़ा दिया। बताओ इससे कुछ मेरे को फायदा है क्या? मैं ऑर्गेनाइजेशन है मेरे को कुछ फायदा है क्या? मैं तो बोलेगा भाई पेमेंट उल्टा कौशल को कम जाएगा तो मेरा फायदा है ना पैसा बचेगा लेकिन कौशल का पोस्ट और पे दोनों बढ़ा के मेरे को फायदा है क्या? नहीं ये बताओ और अगर है तो क्या फायदा है? Yes. नहीं अच्छा मेरे को बताओ बॉस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी का पे क्यों बढ़ता है बताओ? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी का पे क्यों बढ़ना चाहिए या तो क्यों बढ़ता है? सर वो बहुत पुराना इसीलिए साल खत्म हो गया इसीलिए अच्छा परफॉर्म किया इसीलिए
आगे भी इंटेंशन यही रहता है कि वो आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, इसीलिए पे बढ़ता है। चलो अच्छा परफॉर्म किया, हो गया ना, अच्छा परफॉर्म कर लिया मैंने, उसको अभी का पगार दे दिया, फ्यूचर के बाद फ्यूचर में ना पेमेंट तो इस साल का मैंने जितना दिया उसके लिए उसने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, मैं और इंक्रीमेंट करेगा और पोस्ट बढ़ाएगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, सो द बेटर आउटकम, द इफेक्ट ऑफ बेटर आउटकम, ओके, विल बी कॉज्ड बाय द इंक्रीमेंट मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज वर्कर, या तो कोई ट्रेनिंग वगैरह दिया रहेगा। सो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है। सिंपल सेंस में जो भी डिसीजन बिजनेस मैनेजमेंट लेता है वही रीजन बनता है बिजनेस का ग्रोथ या तो डिक्लाइन का। क्लियर, ये समझ में आया आकिना? हाँ। एक और एग्जांपल, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। अब इस बार ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया, ज्यादा सेल्स हुआ, बताओ ज्यादा सेल्स का रीजन क्या बन सकता है? एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट। क्लियर, देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप समझ में आया? हाँ भाई, बाकी लोगों को समझ में आया क्या? हाँ ना, यस नो? हाँ सर। ग्रेट, चलो नेक्स्ट पार्ट, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा अब ना मैंने बोला था, देखो अगर आपको मैंने अगर याद रहेगा तो मैंने स्टार्टिंग से बोला था, अरे एक प्रिंसिपल ऐसा नहीं है भाई इसको अप्लाई करो उसको मत करो, सर इसको आधा अप्लाई करो इसको पूरा अप्लाई करो, सर इसको रहने दो सर ये साइड में रख दो, ऐसा नहीं होता भाई। देयर आर मल्टीपल प्रिंसिपल्स, ऑल द प्रिंसिपल्स विल बी अप्लाइड ऑल टुगेदर बिकॉज़ ऑल द प्रिंसिपल्स हैव देयर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। आप समझ में आया? सारे प्रिंसिपल्स का एक साथ में इंपॉर्टेंस है, यस, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते इसको पार्शियली अप्लाई करो इसको फुली अप्लाई करो, ओके, हाँ अप्लाई करने का वे चेंज कर सकते हो मॉडिफाइड वे में, ठीक है, ओके, मतलब ज्यादा पेमेंट दे रहे हो तो वर्क एलोकेशन ज्यादा कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा कर दिया, ऑथोरिटी ज्यादा दे दिया, दिस आर दी वेज। मैंने बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक खुले सांड की तरह होता है, आप कैसे भी कहीं भी छोड़ दो, बट अल्टीमेटली दैट शुड बी रिमेन इन ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल। क्लियर, ठीक है, ओके, देखो क्या बोला है, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वल इंपॉर्टेंस, दिस आर टू बी प्रैक्टिस्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ में अप्लाई होना चाहिए, टू गेट बेस्ट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्री डिफाइंड गोल। अच्छा भाई, किसी भी गोल्स को, किसी भी प्री डिफाइंड गोल्स को आपको अचीव करना है तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि आप सारे के सारे प्रिंसिपल्स को एक साथ में अप्लाई करो, ठीक है, ओके। इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल is focused more and other are not followed with same focus, then it affect the working of the organization. आपने allocation of work किया, आपने division of work किया, आपने authority दिया लेकिन responsibility नहीं दिया, चलेगा क्या? आपने responsibility दिया लेकिन authority नहीं दिया, चलेगा क्या? आपने responsibility भी दिया, authority भी दिया, division of work भी किया लेकिन pay नहीं दिया, चलेगा क्या? आपने सब दिया लेकिन training नहीं दिया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। दिस आर प्रिंसिपल्स, हम आगे पढ़ेंगे वेरी डिटेल में कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जो अप्लाई होते हैं। अब समझ में आया क्या? ठीक है, मतलब आप प्रिंसिपल्स को आधा अधूरा अप्लाई नहीं कर सकते, ऑल टुगेदर सारे अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। वेदर यू कैन अप्लाई इन अ मॉडिफाइड वे द चेंज इन द सिचुएशन, विद द चेंज इन द सिचुएशन, विद रिगार्ड्स टू द चेंज इन द सिचुएशन वी कैन अप्लाई, ओके, बट अप्लाई सारे होंगे, ठीक है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस, द नेचर ऑफ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंसेस, ओके। अब ना हमेशा ये बात ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बोला था ये जो प्रिंसिपल्स है ये एब्सोल्यूटली अप्लाई नहीं होगा, आप समझ रहे हो? एब्सोल्यूटली मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटली का मतलब मालूम है क्या? नहीं, बताता है, देखो यहाँ पर, मान लो प्रतीक्षा को ना क्लास में जाना है, ठीक है, 21 बी क्लास में आना है,
ठीक है, आपको वाशी से यहाँ पर आएगी कोपर करने, ठीक है। मैंने बोला वाशी से कोपर करने आना है आपको, ठीक है, क्लास में, ओके। अब ना मैंने उसको बोला आपको रिक्शा से आना है, दिस आर एब्सोल्यूट बाइंडिंग, दिस आर एब्सोल्यूट बाइंडिंग, लेकिन मैंने बोला कि आपको ट्रैवल करके यहाँ पर आना है। नाउ बाय एनी मींस शी कैन ट्रैवल बाय बस, बाय वॉकिंग, बाय साइकिल, बाय ऑटो या बाय ट्रेन, इज इट? सो दिस आर रिलेटिवली एप्लीकेबल। अब समझ में आया एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बीच में फर्क मालूम पड़ा? ओके, सो सच प्रिंसिपल्स आर नॉट एब्सोल्यूटली एप्लीकेबल बट दिस आर अप्लाइड इन अ रिलेटिव वे। रिलेटिव वे मतलब, इसीलिए तो हम मॉडिफाइड कर सकते हैं ना प्रिंसिपल्स को। अगर एब्सोल्यूट होता मतलब बाहुबली, मेरा वचन ही मेरा शासन है, जय माई श्री, सही है कि नहीं है? समझ में आया क्या? एब्सोल्यूट मतलब बोला उतरने का, ठीक है। इसीलिए इन प्रिंसिपल्स को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, हमने देखा। क्लियर हुआ? अब समझ में आया क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ भाई, मालूम पड़ा बाकी लोगों को? कौशल, प्रतीक्षा, पूर्वा, हाँ सर, तेजल, अथर्व, शिवानी, उत्कर्षा, सस्ते मैडम, हाँ बाकी जिसका नाम रह गया वो जरा अंडरस्टैंड करके समझ लो, लेकिन समझा तो हाँ बोल सकता है, ठीक है। नहीं समझा तो यू कैन आस्क क्वेरी ना, नॉट एन इश्यू। किसी को कोई क्वेरी इन 7 पॉइंट में तो पूछो। यस, हाँ भाई, किसी को कोई क्वेरी है? हेलो, नहीं, नो सर। है क्या बात है? बाकी लोग, लड़के लोग, अरे लड़की लोग जरा भी नहीं बोल रहे, जबरदस्त, कितना कंसंट्रेशन से सुन रहे बेचारे, मंत्रमुग्ध हो गए, जबरदस्त, ठीक है। ओके, तो हमने 7 पॉइंट पढ़े, क्या क्या पढ़े जरा देख लेते हैं हमने, ठीक है। ओके, ओके, चलो, तो 7 पॉइंट हमने क्या क्या पढ़े जरा देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ओके, सच प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली, ओके। जनरल गाइडलाइंस, इट प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस, ओके, टू फॉलो द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, सच प्रिंसिपल्स आर पुट फोर्थ बाय सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस, ओके, बाय सम ऑफ द ऑथर एंड एक्सपर्ट्स, वी कैन से, ओके। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, ओके, सच प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन ऑर्डर टू चेंज इन द सिचुएशन, विद रिगार्ड्स टू चेंज इन द सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, behavioral in nature, obviously the group activity can be undertaken accordingly, the behavioral changes can be observed and the principles applied accordingly, okay. Next part, cause and effect relationship, okay, jo bolega wahi payega, okay, simple sa concept, theek hai. And last one, okay, sare ke sare hamare bhagwan hai, theek hai, ha, all principles are of equal importance, cleared? This is the last call for this question. समझा? हाँ। Yes sir. क्या बात है, क्या बात है? Yes, yes, yes. ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Significance of management principles. अच्छा, significance का मतलब मालूम है? Significance का मतलब होता है importance. क्या है आपके principles का importance? Okay. Why such principles are very important? बहुत सारा पॉइंट्स आपका अगेन रिपीट होगा, ओसीएम का यही सबसे बड़ा लूप होल है कि आपका वो जो क्वेश्चन होता है ना उसका कंसेप्ट बार 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 रिपीट होता है, वाइल अदर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो बहुत सारे हमने नेचर ऑफ पॉइंट्स पढ़े थे, वो सेम होंगे या तो उसका कंसेप्ट सेम होगा। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आया आप मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखो एंड स्टार्ट विद द पॉइंट एक्सप्लेनेशन। Provide useful insight to managers. Okay, see. अच्छा, अब ना ये principle of management है ना, ये आपके manager को ना एक insight story देता है। अच्छा सर, क्या होता है insight story? मतलब एक insight idea देता है that how to make policies, how to frame policies, how to apply, what would be the consequences.
अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा उसका, या तो टेंटेटिवली क्या रिजल्ट आ सकता है, ऐसा नहीं कि उसको पता ही होगा, बट ही कैन एनालाइज और एंटीसिपेट द थिंग्स एंड रिजल्ट एट वी कैन से ऑन प्री डिटरमाइंड मैनर. ओके, प्री डिटरमाइंड मैनर मतलब पहले से वो कुछ अज्यूम कर सकता है या तो एंटीसिपेट कर सकता है कि रिजल्ट ये हो सकता है, उसके हिसाब से ही पॉलिसीज बनता है. ठीक है, क्या बोला है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल हेल्प्स टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन प्रॉब्लम्स. इट फर्दर हेल्प मैनेजर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड हैंडल द सिचुएशन. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस इन वेरियस प्रोफेशनल पीपल. ओके, the use of this principle is helping management about the manner which should act in a different situation. ye maine pehle hi bataya. okay, principle of management hamesha help karta hai manager ko ya to management ko different levels se decision lene ke liye, different manner mein policies banane ke liye, ya to kis tarike se act karna hai with the change in the situation. clear? theek hai, yahan par samajh mein aaya? ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा मैनेजर को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, एक ब्रीफ आइडिया प्रोवाइड करता है, एक इनसाइट स्टोरी प्रोवाइड करता है, थ्रू विच ही इज एबल और दैट मैनेजर इज एबल टू टेक सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिसीजन. क्लियर, ये समझा क्या? यस सर. नेक्स्ट, हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हाँ भाई, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा क्या करता है, बिजनेस हमेशा ना आप उसी में एक चीज तो पढ़ोगे, ये बार बार आएगा. ओके, यस, आप फिर हेरा फेरी में बाबूराव को देख सकते हैं, भाई तू फिर आ गया रे. यस, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमेशा आपको दिखेगा, यहाँ पर नहीं हर जगह पर दिखेगा. एफिशिएंट यूज ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, इसका मतलब 100 बात की एक बात हम बोल सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. यस सर, कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस? अच्छा, अब ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास ना बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं सर. रिसोर्सेस मतलब फिजिकल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस. ठीक है, ओके, क्या बोला मैंने, फिजिकल रिसोर्सेस. अब फिजिकल रिसोर्सेस में मटेरियल, मशीन, मनी, फाइनेंशियल भी यहाँ पर ही आ गया फिजिकल में. एंड सेकेंड वन दैट इज मैन पावर. मैन पावर को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, आपने सुना रहेगा ह्यूमन रिसोर्स, HR डिपार्टमेंट होता है इसके लिए. ठीक है, ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं दो तरीके के रिसोर्स, फिजिकल एंड मैन पावर. ओके, ये दोनों रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, हाउ द मैनेजमेंट कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज सच काइंड ऑफ रिसोर्सेस. ओके, मैनेजमेंट हैज टू डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इट हैज टू यूज दैट मटेरियल to some of the funds for investment purpose, the number of personnel, the quality of personnel, qualification of personnel, personnel and the person who are being chosen to assign the prescribed work. मतलब ऐसे लोगों को काम पे रखना जो वो काम करने के लिए लायक हो, और अगर कुछ लोगों को काम पे रखा है तो उनको वो लेवल का काम भी देना. एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कौशल है ना, कौशल का बिजनेस है, कौशल ने ना मेरे को काम पे रख लिया. ठीक है, उसका सोने का दुकान है, गोल्ड का, गोल्ड, ओके, सोना चांदी बेचता है, चवन प्रश्न नहीं, सोना चांदी. ठीक है, सोना चांदी, डायमंड, ज्वेलरी, जो भी आपको मजा आएगा वो आप बोल सकते हो. ठीक है, अब उसने मेरे को काम पे रख दिया, ना मेरे को मार्केटिंग आ रहा है, ना सेलिंग आ रहा है, ना मेरे को लेबर वर्क आ रहा है, ना उसको उसमें कुछ मालूम पड़ रहा है. उसने मेरे को काम पे रखा, मैसेज देख रहे हैं, उसके बाजू में खड़ा रहके सिर्फ देख रहा है, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना कुछ. ठीक है, ओके, अच्छा, उसने ना प्रतीक्षा को भी काम पे रखा, नाउ प्रतीक्षा इज डैम एक्सपर्ट, उसको मार्केटिंग बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको काम पे रखा. अच्छा, आ रहा है बोला, ओके, आ रहा है, उसने उसको काम पे रखा, मेरे को और उसको दोनों को काम पे रखा, मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, ओके, ठीक है, और प्रतीक्षा को सब कुछ आ रहा है, दोनों को उसने काम नहीं दिया, सिर्फ काम पे रखा, पेमेंट दे रहा है, काम नहीं दे रहा है जितना चाहिए उतना. ओके, मेरे को बताओ क्या मैन पावर का सही यूज हो रहा है क्या? क्या मैन पावर का सही यूज हो रहा है? जिस पर्पस के लिए उसने अपॉइंट किया था उस लेवल पे काम दिया जा रहा है क्या? नहीं दिया जा रहा है. नो सर, दैट मींस देयर इज अ लैक ऑफ
यूज ऑफ मैन पावर इफेक्टिवली, ठीक है, मतलब पैसा जा रहा है लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, ओके, क्यों, क्योंकि काम नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान में रखना है, प्रिंसिपल हमेशा हेल्प करता है किसी भी रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए। ऑप्टिमम मतलब क्या, अरे भाई भर भर के यूटिलाइज नहीं करना है किसी को, मैं बोलूंगा भाई ऑप्टिमम मतलब लोग बोलेंगे सर ज्यादा से ज्यादा, अरे नहीं ना सर, तो कम से कम, मेरे को बताओ, मैं तीन ही ऑप्शन दूंगा, रिसोर्सेस ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होना चाहिए, कम से कम यूटिलाइज होना चाहिए, कि जितना चाहिए या तो जितना हम यूज कर रहे हैं उतना पूरी तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए। आप सिर्फ अपना आंसर ए बी सी करके दे सकते हो, मैं वापस बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होना चाहिए, कम से कम यूटिलाइज होना चाहिए, एंड सी है आपका जितना है उतना प्रॉपरली यूटिलाइज करना, बताओ। अच्छा सी, ठीक है, बाकी लोग, हाँ भाई, अच्छा बाकी लोगों को बिजनेसमैन ही नहीं बनना, क्या बात है, बताओ कैसे अप्लाई करोगे। यस, क्वेश्चन समझा, बाकी लोगों को क्वेश्चन समझा, देयर इज अ कंफ्यूजन स्टिल। हेलो, हाँ भाई, क्वेश्चन समझा क्या बाकी लोगों को, कौशल, प्रतीक्षा, तेजल, सौरभ, तेजस, सॉरी तेजल, पूर्वा, शिवानी, क्वेश्चन समझा क्या? यस सर। तो क्या आंसर हो सकता है बताओ, ए बी या सी, मतलब रिसोर्सेज ज्यादा यूज होना चाहिए, कम यूज होना चाहिए, या जितना चाहिए उतना यूज होना चाहिए, मतलब जितना यूज करे उसका पूरा यूज करना है। ऑब्वियसली जितना चाहिए उतना पूरा यूज करना है, दैट वुड बी दी राइट ऑप्शन, ओके, बस जितना चाहिए उतना पूरा यूज किया वही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है, ये समझा, ठीक है, ओके। सो बिजनेस मैनेजमेंट हमेशा ये हेल्प करता है वेस्टेजेस को रिड्यूस करना और बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ाना। एफिशिएंसी तब बढ़ेगा, एफिशिएंसी मतलब बिजनेस का रिजल्ट, आउटकम तब बढ़ेगा जब आपका वेस्टेजेस क्या होगा, कम होगा। क्लियर? ये समझा क्या? यस सर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, साइंटिफिक डिसीजन, ठीक है सर, क्या होता है साइंटिफिक डिसीजन? ये प्रिंसिपल्स है ना, बिजनेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, ये हमेशा ना मैनेजर को हेल्प करते हैं या तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए। सर क्या होता है साइंटिफिक डिसीजन लेना? साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है ऐसा डिसीजन जो सोचा जाए, समझा जाए, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो एंटीसिपेट किया जाए, यानी कि समझ लिया जाए, और फिर उसको अप्लाई करना है कि नहीं और कैसे करना है उसके बारे में डिसीजन लिया जाए, ये होता है साइंटिफिक डिसीजन। अब समझ में आया? सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड करता है बिजनेस टॉप लेवल मैनेजमेंट को, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको ये हेल्प करता है कि वो लोग हमेशा ऐसा डिसीजन लें जो कंस्ट्रक्टिव हो, वायबल हो और फ्रूटफुल हो, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, और जो भी एसोसिएटेड पार्टीज है जिसको हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है उन लोगों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए, ओके क्या बोला देखो, एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजन मींस सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड डिसीजन, प्रिंसिपल ट्रेन्स अ मैनेजर टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन टेक्टफुली, अदरवाइज मैनेजर हैव टू वर्क ऑलवेज विद द ट्रायल और एरर मेथड। अच्छा,
यहाँ पर ये भी बोला है कि हमेशा ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक बात ध्यान रखना है कि उसको डिसीजन कुछ इस तरीके से लेना है जो टेक्टफुली लेना चाहिए। टेक्टफुली का मतलब क्या है, सोच समझ कर लेना चाहिए या तो फिर उसको ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब क्या, एक्सपेरिमेंटल बेसिस। मैंने कोई डिसीजन लिया, ओके, उसको अप्लाई करना शुरू किया, अगर उस डिसीजन का एडवर्स इफेक्ट शुरू हो जाता है या तो दिखता है, वो डिसीजन को क्या कर देगा, स्क्रैप कर देगा और डिसीजन को चेंज कर देगा, नया पॉलिसीज बनाएंगे। अब समझ में आया, इसको बोलते ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब समझा? यस सर। हाँ भाई, ठीक है। क्या बोला, विद द यूज ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ओके, वन कैन गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन एंड टू सर्च अल्टरनेटिव ऑप्शन एंड देयर रिजल्ट्स। मैंने पहले ही बोला था कि इससे ये आइडिया आ जाता है कि कौन सा डिसीजन काम कर रहा है, कौन सा डिसीजन नहीं कर रहा है। बट मैनेजमेंट हैज टू कीप दैट थिंग इन द माइंड दैट वेदर इफ सच डिसीजन वुड बी एरनस। एरनस का मतलब होता है कोई भी एरर फाउंड होता है या तो फेवरेबल रिजल्ट नहीं आता है, देन दैट विल कॉस्ट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो बट ऑफिस उस पर एग्जीक्यूशन शुरू होता है, उसका एडवर्स इफेक्ट दिखेगा, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान कुछ एक्सटेंड तक तो होगा ही। आप समझा? ये समझा क्या? ठीक है, ओके। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है, बट इसीलिए साइंटिफिक डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब सोच समझ के एक्सपर्ट का टीम एनालाइज करके डिसीजन लेता है। क्लियर? ये मालूम पड़ा क्या? हाँ सर। ठीक है, बीच में रतन टाटा का एक मैंने कोट पढ़ा था, एक बच्चा था और मेरा स्टूडेंट, उसने कोट रखा था, ठीक है, ओके, डोंट थिंक बिफोर टू टेक डिसीजन। रतन टाटा बोलता आई टेक डिसीजन फर्स्ट एंड विल मेक इट करेक्ट, ओके, डोंट टेक करेक्ट डिसीजन, उसने लिखा था डोंट टेक करेक्ट डिसीजन, रतन टाटा का पोस्ट था, फोटो था उस पोस्ट में, ठीक है, डोंट टेक करेक्ट डिसीजन और डोंट थिंक टू टेक करेक्ट डिसीजन, जस्ट टेक डिसीजन एंड मेक इट करेक्ट। बट टू मेक दैट डिसीजन करेक्ट, यू नेवर नो वेदर दैट डिसीजन विल बी करेक्ट वन और नॉट। आपको नहीं पता ना कि वो डिसीजन करेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो तो आपके एक्सपेरिमेंट से या तो आपके डिसीजन से उसका इफेक्ट मालूम पड़ेगा, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर? ये समझा? अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा ये सिखाता है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना हमेशा ये बात सिखाता है कि जो भी डिसीजन लिया जाए, ओके, या तो जो भी प्रिंसिपल्स होगा वो हमेशा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी एम्फेसाइज करता है। सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब क्या होता है? ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी होता है या तो मोरली करेक्ट होता है, जिनको फॉलो करना ही करना है। जैसे से फॉर एन एग्जाम्पल, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में काम करता है, बराबर ना, सोसाइटी मतलब क्या है, तुम्हारा घर वाला सोसाइटी नहीं, सोसाइटी मतलब बिजनेस इकोलॉजी, ये सोसाइटी आसपास का, ठीक है, सोसाइटी के बीच में काम करता है, ठीक है, रिसोर्सेस किसके यूज कर रहा है, सोसाइटी के जब आप नेचर बोल सकते हो, ठीक है, ये नेचर में काम कर रहा है, मतलब लोगों के बीच में काम कर रहा है। अच्छा, रिसोर्सेस कौन से यूज कर रहा है, सोसाइटल रिसोर्सेस या तो हम बोल सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। अच्छा, इनके डिसीजन से या तो बिजनेस डिसीजन से अफेक्ट किसको हो सकता है, सोसाइटल पीपल को या तो नेचर को, ठीक है, इससे बेनिफिट किसको हो सकता है, सोसाइटल पीपल या तो नेचर को, बराबर की नहीं। सो इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अ ड्यू पार्ट टुवर्ड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। मतलब ये प्रिंसिपल हमेशा बताता है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उस प्रोडक्शन से एनवायरमेंटल हार्म नहीं होना चाहिए, उस प्रोडक्शन से पॉइजनस एफ्लुएंट्स रिलीज नहीं होना चाहिए, उस प्रोडक्शन से सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हार्म नहीं होना चाहिए, उस प्रोडक्शन से क्वालिटेटिव गुड्स बाहर आना चाहिए जिससे कस्टमर के लिए वैल्यू फॉर वर्थ हो, मतलब कस्टमर जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे वो
क्वालिटेटिव हो, एक फेयर प्राइसिंग पॉलिसी होना चाहिए, गलत नहीं करना, यानी कि मोरल एटीट्यूड को एडॉप्ट करके बिजनेस का डिसीजन लेना है, जिससे किसी का नुकसान करके अपना फायदा हो, ये वाला डिसीजन लेना चाहिए। दिस आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब समझ में आया? एंड अल्टीमेटली नेशनल डेवलपमेंट के टूवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूट करना है, यही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब समझ में आया क्या? ये कौन डिसाइड करेगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ओके, ठीक है। तो चार पॉइंट आपको समझा रहेगा, चार पॉइंट समझा रहेगा, एक बार जरा पढ़ लो ना चारों के चारों पॉइंट, कोई डाउट रहेगा तो पूछो, ठीक है? फोर पॉइंट पढ़ लो दो मिनट से, कोई डाउट रहेगा तो पूछो, और पढ़ के हो गया तो भी बोलो। आई एम देयर, नेवर गो एनीवेयर। Yes, हुआ? हेलो, हाँ भाई, हुआ क्या? चलो, आज जितना पढ़ा उसमें कोई क्वेरीज है? नहीं। बाकी लोग? नो सर। नो सर। पक्का? ठीक है, किसी को कोई क्वेरीज है क्या तो पूछो, अगर नहीं है तो हम माइंड अप करेंगे। ओके, वी हैव कवर्ड फोर पॉइंट, ओके, रिमेनिंग पॉइंट विल बी कवर्ड इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर, ओके, सो दिस क्वेश्चन वुड बी कंप्लीटेड एंड इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर वुड बी कवरिंग, वी वुड बी स्टार्ट कवरिंग द थियरीज ऑफ थियरीज एंड प्रिंसिपल्स गिवन बाय सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, ठीक है? ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, bye bye, take care, and in very next lecture come up with its revision, okay? So we'll ask you last lecture mein kya padha tha, theek hai? Okay, chalo, till that, bye bye. Bye sir. Bye sir. Bye bye. Bye sir. Bye.